हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं रचना बंसल मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ठीक है हम कल पढ़ चुके थे इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस हेलो एरिंस की केमिकल रिएक्शंस तो देखिए किस तरीके की रिएक्शन शो करता है रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिंस न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट है कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड थर्ड है रिएक्शन विध मेटल्स substitution इसके साथ वो बहुत ही कम रिएक्शन देता है देखिए कौन कौन सी रिएक्शन देता है Nucleophilic सब्सटीट्यूशन दीज आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव ये कैसे होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स nucleophilic सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं देखिए रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से

तो इसके अंदर आता है रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट में देखिए जैसे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे रेजोनेंस 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 की की वजह वजह से से देखिए पर सिंगल बॉन्ड 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 था लेकिन की से यहां क्या आ गया डबल बॉंण, डबल बॉंण को तोड़ना इतना ईजी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको तोड़ देगा नहीं तोड़ पाएगा तो देखिए सीसीएल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ठीक है ड्यू टू द रेजोनेंस ठीक है तो इस बॉन्ड को तोड़ना ईजी नहीं है इसीलिए न्यूक्लियोफ्लिक रिएक्शन के लिए ये बहुत ही कम क्रियाशील होगा इसके अंदर दूसरा आता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन अब देखिए इसके अंदर ये हेलो है इसके अंदर जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कौन सा कार्बन है sp2 टू हाइब्रिडाइज कार्बन है अब इसके अंदर जो जुड़ा हुआ है वो कैसा है sp3 थ्री हाइब्रिडाइज है ना अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए इसकी सी एक्स बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है 177 पिकोमीटर लेकिन जब ये इससे डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है जब ये इसके किससे जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है 169 इसकी बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा इसीलिए न्यूक्लियोफाइल

इसीलिए एस एन वन रिएक्शन इसके लिए फेवरेबल नहीं होती है नेक्स्ट आप लोगों का आता है बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन रिपल्शन वो पहले बताया था जैसे इसके अंदर ये कैसा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, है ना और यहाँ पर न्यूक्लियो फाइल आएगा उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल

फिनोल के अंदर चेंज हो जाता है नेक्स्ट इसमें हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाएगा तब ये इसके लिए और भी ज्यादा क्रियाशील हो जाता है देखिए इसके अंदर 443 फोर्टी थ्री कैलोन टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है अब देखिए इसकी ये सी एल रिप्लेस होकर किस में चेंज हो रहा है ओ OH एच के अंदर एनओ एच से रिएक्शन कराई जा रही है लेकिन जब इसकी ऑर्थो ये वाली ऑर्थो पोजिशन है और ये पैरा पोजिशन दोनों पोजिशन पर क्या लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो इसकी रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो गई देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना लिया जा रहा है 368 देखिए फर्स्ट वाले में हमने ज्यादा टेम्परेचर लिया फिर नेक्स्ट वाले में अपन ने जब अपन ने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तब इसका टेम्परेचर कम हुआ जब दो दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए तब और भी कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी और अपना ओ OH एच ग्रुप जुड़ जाएगा ठीक है अब जब तीन तीन विड ग्रुप लगे हुए हैं तब खाली किससे काम चल जाएगा वार्म वाटर से काम चल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा ओ एच ग्रुप

इसकी इस वाली ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर इजीली क्या कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है यहाँ कर सकता है या फिर इसकी पैरा पोजिशन पर भी अटैक कर सकता है या फिर इसकी इस वाली ऑर्थो पोजिशन पर भी अटैक कर सकता है ठीक है इस तरीके से अटैक हो सकता है तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शन है हेलोजोनेशन करा दें किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस एफ सी एल थ्री की प्रेजेंस में तो देखिए इसकी ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ जाएगा देन

और पैरा पोजीशन पर अटैक करके मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है ऐसे ही सल्फोनेशन है सल्फोनेशन के अंदर वही एसओ थ्री क्या है एसओ थ्री इलेक्ट्रोफाइल है है ना और ये इस पर अटैक करता है तब क्या बनाता है एसओ थ्री एच और तो पर आता है क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ जुड़कर एसओ की फॉर्म में जुड़ जाता है तो क्या बनता है टू क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ठीक है ऐसे ही पोजिशन पर जुड़ता है तो वन टू थ्री फोर सॉरी फोर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म करता है नेक्स्ट आप लोगों का आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर किसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कौन अटैकिंग स्पीसीज होती है मिथाइल ग्रुप तो इसके अंदर फॉर्म होता है प्रड़क्त और के रूप में होता है अब इसमें असाइलेशन कराएंगे असाइलेशन में कौन सी अटैकिंग स्पीसीज होती है ये वाली असाइल ग्रुप ये इसकी ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करता है तब क्या बनाता है टू क्लोरो

ऐसे ही नेक्स्ट आप लोगों का आता है रिएक्शन विद मेटल्स रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर वुड्स फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर देखिए क्या होता है इसकी एल्किल हेलाइट की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है सोडियम के साथ और एल्किल हेलाइट के साथ कराई जा रही है इस एरिल एरिलइड की रिएक्शन सोडियम के साथ एल्किल हेलाइट की प्रेजेंस में कराई जा रही है और ड्राई ईथर अपन एज अ सॉल्वेंट यूज में ले रहे हैं तब क्या हो रहा है R group यहां जुड़ रहा है और अलग हो रहा है है। है? है। और अलग हो में क्या क्या होता है? Carbon, carbon bond form होता है। अब fitting reaction के अंदर क्या लेते हैं अपन? जैसे दो molecule इसके ले लिए, के और साथ में सोडियम ले लिया और ड्राई लिया तो दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना लेंगे और एनएक्स निकाल देंगे ठीक है तो रिएक्शन विद मेटल्स ये वाली तो आज की क्लास के अंदर हमने रिएक्शन ऑफ हेलो एरि पढ़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पॉली हेलोजोन कंपाउंड ठीक है आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं थैंक यू